तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और जैसा कि आज तुम लोग जानते हो, आज हम लोग एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो कई बार कुछ लोगों का दिमाग ख़राब कर देती है। इंग्लिश में हम इन्हें मेटालिक पजल्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कोई नहीं कुछ भी बोल देता है। तो यार, अगर तुम्हारे पास ये है और तुम सीखना चाहते हो कि इसे निकालते कैसे हैं, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। लेकिन यार, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना, तो जाओ, जाकर लेकर आओ। बहुत अच्छी चीज़ है यार, तुम्हें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, टॉय शॉप से, गिफ्ट शॉप से, कहीं से मिल जाएगी। तो यार, अभी मेरे पास ये 5 हैं, तो इस वीडियो के मैं 5 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं हर पार्ट में एक पजल को सॉल्व करके और अनसॉल्व करके दिखाऊंगा। शुरू करते हैं सबसे आसान वाले के साथ। मेरे हिसाब से इन 5 में सबसे आसान है, तो देख लो कैसा लगता है। तो इसके लिए आपकी जो बिगनर पोजीशन होगी, जो आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन होगी, वो होगी इन दोनों की एंडिंग्स को मिला के, और ये आपका बन गया M। ये आपकी बिगिनर पोजीशन होगी। अब सिंपली जस्ट टर्न इट अराउंड W। अब इस W से आपको करना क्या, जस्ट पिक इट अप, और दोनों की जो ये कर्व्स हैं, दोनों के कर्व्स को आप एक साथ ले आओ, दोनों के कर्व्स को एक साथ ले आए, आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे देखो, तो ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाले की राइट साइड पे है, तो यहाँ पे लाके हम इसे राइट साइड की तरफ ट्विस्ट कर देंगे, यहाँ तक, ठीक है। सपोज अगर ये लेफ्ट साइड पे होता, तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करते हैं। तो अभी ये राइट साइड पे है, तो एक बार दोबारा M W पास लाइन, उसके बाद इसको राइट की तरफ, क्योंकि अभी राइट वाले इसके राइट वाले पार्ट पे है, तो हमने इसको राइट की तरफ टर्न कर दिया। राइट की तरफ टर्न करने के बाद जब आपकी ये पोजीशन आ जाएगी, कुछ ऐसी पोजीशन, इसको ध्यान से देख लो, बस ये पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन है। दोनों की एंडिंग्स को पकड़ो और एक को पीछे की तरफ, एक को आगे की तरफ पुश कर दो, ऐसे आप ये निकल जाएंगे। आप इन्हें वापस रख सकते हो, चेक करवा सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, ये आसानी से खुलती मुड़ती नहीं है। तो ये तो बात हो गई सॉल्विंग की, अब हम बात करेंगे अनसॉल्विंग की, यानी इसको वापस डालने की। वापस डालने के लिए आपको सेम प्रोसीजर रिवाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर रिवाइंड करने के लिए इन दोनों की जो ओपनिंग्स हैं, आपने इनको सीधे नहीं जाएंगी, ये जाएंगी ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसे जाएंगी, अंदर चले गई, तो आपका ये लॉक हो जाएगा वापस, आपका इस पोजीशन आ जाएगा, यहाँ से आपका एम मिल जाएगा। तो एक बार दोबारा कर लेते हैं कि एम रखा, कॉर्नर्स को साथ में लाए। अब देख लीजिए, इस बार ये लेफ्ट साइड में आ गया, हम इसको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करने के बाद बस इन दोनों को पुश कर दो और ये निकल जाएंगे। अब सेम चीज़ यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो वापस, दोनों को पुश करना है अंदर, पकड़ गया, और ये आपका सॉल्विंग अनसॉल्विंग दोनों हो गई। तो यार, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए इतनी सी भी हेल्पफुल रही हो ना यार, तो जहां भी तुम्हें ऐसा कोई साइन दिखे ना, बस उसको ठोक डालो, जोर से मारना, ठीक है, बजना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और यार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाए, तो यार उसको भी ये शेयर करो। ज़्यादा शेयर करोगे तुम्हें ज़्यादा दुआएं मिलेंगी। तो यार, इसी के साथ ये पार्ट होता है ख़त्म। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में।